दोस्तों भारत का एकमात्र एक ऐसा मंदिर जहां पर भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी के अंदर स्थित है। यहां भारत देश ने विदेशों से भी लोग आते हैं और बात करें यहां के रथ यात्रा की तो उसकी बात ही निराली है। दोस्तों वैसे आपने कभी सर्च किया है कि ये जो मंदिर है कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, क्या इतिहास रहा होगा? अगर नहीं भी किया तो आज इस वीडियो में आपको पूरी बात हम बताने वाले। दोस्तों सारी जानकारी बताएंगे इसके अंदर। भगवान जगन्नाथ की अलौकिक कथा जिसको सुनने के लिए तीनों लोगों के देवताएं एक साथ विराजमान होते हैं, ये वो कथा आज इस वीडियो में आप भी सुनेंगे। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं राजू एक्सप्लोरिंग राजू में आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बाकी आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर ये कहानी आपने सुनना प्रारंभ कर दिए तो इस कहानी को पूरा सुने, ये कहानी अगर आपने आधी सुनी तो आपका पूरा समय व्यर्थ हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये पूरी कथा आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो बात है दोस्तों, एक समय था राजा इंद्रद्युमन मालवा का एक राजा हुआ करता था। वह जो राजा था भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो एक समय जब वह सो रहा था अपने महल के अंदर तब भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा कि हे भक्त, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव के नाम से जाना जाता है। उस मूर्ति को तू ला और यहाँ पर एक मंदिर बना के उसको उसके अंदर स्थापित कर। तब वह भक्त बहुत ही खुश हुआ कि भगवान मेरे सपने में आए और उस भगवान की इस बात को रखने के लिए सुबह जल्दी उठा और दरबार के अंदर एक बैठक बुलाई। उसमें से एक ब्राह्मण था विद्यापति, उसको बुलाया और सारी बात उसको बताई। अब लेकिन जो ब्राह्मण था उसने ये सारी चीज़ सुन रखी थी कि वहाँ पर जो एक नील माधव नाम की एक मूर्ति है, तो वह निकल चुका था सुबह ही उस मूर्ति की खोज के अंदर। विद्यापति ने सुन रखा था पहले ही कि सब्बर के कबीले के लोग नील माधव नाम की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह ये भी जानता था कि सब्बर कबीले का मुखिया जो है विश्ववसु नील माधव का उपासक है और वह उसी मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा है। विद्यापति बहुत ही चतुर था, उसको मालूम था कि वह ऐसे तो दर्शन करवाने से रहा तो वो उस मुखिया के बेटी से विवाह कर लेता है और आखिर में वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे पत्नी, अपने पिता से कहे कि मुझे एक बार नील माधव की दर्शन करवा दे। तब उनकी बेटी ने अपने पति से कहा कि बिल्कुल अवश्य मेरे पिताजी से कहूंगी, वो आपको जरूर दर्शन करवाएंगे, और पिताजी से कहती है और पिताजी ये दर्शन करवाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन उनके जो पिता है वो अपने दामाद यानी बेटी के पति को कहता है कि एक शर्त है कि मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधूंगा, फिर ही आपको वहाँ पे दर्शन के लिए मैं लेके जाऊंगा। लेकिन जो ब्राह्मण था विद्यापति बहुत ही चतुर था, उसने हाँ भर ली कि ठीक है। तो वैसे जैसे रास्ते पे वो जाते हैं तो बीच रास्ते में कंकड़ कंकड़ फेंकते हुए जाता है और वह दर्शन करके वापिस घर को लौट जाता है। लेकिन जब दूसरे ही दिन उसे उस रास्ते पे जो कंकड़ फेंके हुए थे उन कंकड़ को देखते देखते हुए वापस वह उसी गुफा के अंदर पहुंच जाता है। वहां से जो नील माधव की जो मूर्ति है उसको चुरा कर अपने राजा का जो पालन है दिया हुआ वचन है कि मैं उस मूर्ति को लेके आऊंगा, वहां से लेके निकल जाता है और उस मूर्ति को लाकर राजा को दे देता है। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी होता है। अपने भक्त के दुख से भगवान भी काफ़ी दुखी हुए और भगवान गुफा में वापस से लौट आए। लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युमन से वादा किया कि वह एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुन्द्र में तैर रहा एक पेड़ का टुकड़ा उठाकर लेके आओ जो द्वारका से समुंदर में तैरकर पूरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया लेकिन सभी लोग उस मंदिर के लिए उस टुकड़े को उठाने लगे तो कोई भी उठा नहीं पाए। इस बात को लेकर विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ी और विश्ववसु को सभी लोग लेने गए कि उन्हें मालूम था कि वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त है, अवश्य ही वह कुछ करेगा। तब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु वहाँ आए और उस लकड़ी को वह अकेले ही
उठाकर मंदिर तक ले गए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से एक छेनी तक नहीं लगा पाया। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति तो बना देंगे, लेकिन साथ ही अपने द्वारा एक शर्त रखी जाएगी, उस शर्त को आपको पूरा करना होगा। तब राजा ने बोला कि अवश्य हम आपकी शर्त को बिल्कुल मानेंगे। तब उन्होंने कहा कि वह 21 दिन के अंदर मूर्ति बना देंगे, लेकिन वो मूर्ति किसी के सामने नहीं बनाएंगे और वहाँ एक अलग गुप्त जगह पर वो मूर्ति बनाएंगे। तब वह सभी वहाँ जा इसी शर्त तब वह सभी इस शर्त को मान लेते हैं। लकड़ी और विश्वकर्मा जो कि बूढ़े व्यक्ति के रूप में थे, उनको एक जगह एकांत जगह में छोड़ देते हैं, कोई उनको बनाते नहीं देख सके इसलिए। अब एक रात की बात है, उनकी जब रानी थी तो वह दरवाजे के पास जाती है और सुनती है कि क्या वाकई में जो बूढ़ा आदमी है वो मूर्ति बना रहा है या नहीं बना रहा है। तब अंदर घोर करके आवाज़ सुनता है तो वहाँ पर चिन्ह हथौड़े की आवाज़ें नहीं आती है। तब राजा इंद्रदुमन जो है उनको ये सारी बात बताती है। तब उनकी पत्नी ने सारी बात राजा को बताई। राजा वहाँ पहुँचा और जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें तीन अधूरी मूर्तियाँ मिली पड़ी। भगवान नीलमाधव उनके छोटे भाई के हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा जो कि उनकी बहन थी उनके हाथ पांव नहीं बनाए गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तब भी से तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। वर्तमान में ये जो मंदिर है 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का जो निर्माण है ईसा पूर्व में भी हो गया था। यह मंदिर 3 बार टूट भी चुका है और 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अंगद भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। इस मंदिर की खासियत बात बताऊं दोस्तों, इसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वो हवा के एकदम विपरीत दिशा के अंदर लहराता है। बात की जाए उस झंडे की तो उस झंडे को रोज बदलना पड़ता है। अगर जिस दिन नहीं बदला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वह मंदिर 18 वर्ष के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों छोटी सी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर गए या नहीं।